व्हाट इज एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? काफी लोगों की डिमांड थी भाई एनएलपी के बारे में वीडियो बताओ, एनएलपी के बारे में वीडियो बनाओ, जानकारी दो। तो मैं सोचा जो मेरे पास में कुछ नोट्स है और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मैंने एनएलपी के किए, तो भी लोगों को उसकी जानकारी देना। और जब एनएलपी का वापर करते हैं लोग अपने जीवन में, तो डेफिनेटली आपको डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फ़ायदा हो जाएगा और एक एफिशिएंटली आप काम कर सकोगे। इसलिए मैंने सोचा कि भाई एनएलपी की एक सीरीज़ बना लूँ ताकि आपको अच्छा हो जाएगा पढ़ाई करने के लिए और बहुत मज़ा आएगा। तो आज का ये पार्ट वन है, इसमें अभी मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज एनएलपी। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, शॉर्ट फॉर्म एनएलपी। सो एनएलपी स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी। काय के लिए है कि भाई हम हमारी लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, मतलब बोली भाषा और सांकेतिक भाषा, दोनों का जो है उसका इस्तेमाल करके बॉडी और माइंड का रीप्रोग्रामिंग कैसे करना है उसके बारे में है। तो एनएलपी में एन मतलब न्यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजी मतलब ब्रेन, हाउ वी थिंक, हमारा माइंड कैसा है, और इट डील्स विथ नर्वस सिस्टम और हमारे फाइव सेंसेस, पंचेंद्रिय। फिर एल मतलब लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, कि हम हमारी भाषा कैसे वापरते हैं, शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लिंग्विस्टिक में हम जो बोलते वो भी है और सांकेतिक भाषा भी है, मतलब कोई संकेत करते हैं, हाथ से करते हैं, चेहरे से करते हैं, बॉडी से करते हैं, तो वो भी भाषा आ गई। उसको बोलते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल में हो सकता है कि अपना अपनी पोजिशन, पॉस्चर, फिर हाथ की हलचल, फिर अपने बिलीव्स और फिर अपने हैबिट्स, ऐसे काफ़ी सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती है कि जो हमारी थिंकिंग स्टाइल बताती है। प्रोग्रामिंग पी, एनएलपी का पी, पी मतलब क्या है कि भाई एक सीक्वेंस में वो लाना। हमारी हमारी जो लैंग्वेज में है, लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज का असर बॉडी और माइंड पे करके बॉडी और माइंड को एक सीक्वेंस में लाना ताकि वो बराबर एक्शंस कर सके। सो वो बताता है कि भाई थॉट्स, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी जो कृति है वो एक प्रोग्राम में लाना, एक सिक्वेंशियल एक्शन में लाना, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम परफॉर्म कर पाएंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मतलब भाषा का वापर ब्रेन के ऊपर करके बॉडी और माइंड के ऊपर करना और एक तरह का एक सिक्वेंशियल एक्शंस तैयार करके रिजल्ट्स कॉज करना, सिंपल एनएलपी। एनएलपी में कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा बार बार आएगा। तो देखो माइंड जो है ना वो डिफरेंट लेवल पे काम करता है, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। तो प्रैक्टिकल समझने के लिए हम अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक ही समझेंगे, इंटरचेंजेबली वापरेंगे। तो आप समझ चलो कि भाई हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो है 90% और कॉन्शियस माइंड है 10%। अब कॉन्शियस माइंड जो है वो है प्रेजेंट अवेयरनेस में, राइट नाउ अभी राइट नाउ, इफ यू आर थिंकिंग, बात कर रहे हैं, हाव भाव कर रहे हैं, मतलब वो सब अभी जो चल रहा है वो है कॉन्शियस माइंड। फिर सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड मतलब ऐसा है कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, बिलीव्स है, भावनाएं हैं, है ना, संभावना है, मतलब जो अंदर मेनली एक क्लस्टर ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स है ना, वो है अपना सबकॉन्शियस माइंड। देखो घोड़ा और घोड़सवार की एक सिमिली मैं आपको देता हूँ। घोड़ा जो है ना, हॉर्स पावर बोलते हैं, कितना ताकतवर रहता है, आपने देखा होगा रेस कोर्स में जो घोड़ा दौड़ता है, क्या रहता है, लाखों का रहता है घोड़ा। तो वो घोड़ा दौड़ता है, उसके ऊपर छोटा सा घोड़सवार है, जॉकी। वैसे देखा जाए तो घोड़े के पास में बहुत ताकत है और घोड़े को दिमाग नहीं है, दिमाग है घोड़सवार को, जॉकी को। तो आप समझ लो कि जॉकी जो बैठा है घोड़े के ऊपर वो है 10% कॉन्शियस माइंड, और घोड़ा जो है हॉर्स पावर वो है सबकॉन्शियस माइंड, और ये जो जॉकी है मतलब कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड को चलाता है।
वो उसको ऑर्डर देगा, वो चला सकता है, वो बोल सकता है, वो बातचीत कर सकता है और सबकॉन्शियस माइंड को एक्शन में ला सकता है, या उसका प्रोग्रामिंग करके, रीप्रोग्रामिंग करके एक्शंस बिहेवियर सब बदल सकता है। तो ये जो है ये घोड़े के बारे में नहीं है, एक्चुअली घोड़े को कंट्रोल में कैसा लाना, और वो भी कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में कैसे लाना, उसका प्रोग्रामिंग कैसे करना, उसके बारे में। सो थैंक यू वेरी मच, हम बाकी का पार्ट नंबर 2 में कंसिडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।